डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों, ये क्लास 5 का मैथ है, एक्सरसाइज 46। तो यहाँ पे हम लोग आज इसको कंप्लीट करेंगे। इसके पहले का जितने भी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे डिवाइड दिया हुआ है और ये पॉइंट में है, डेसिमल डिवाइड है, पॉइंट में दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं यहीं पर कम्प्लीट कर दे रहा हूँ, पेपर पर ही बना देता हूँ। एक्चुअली ये समझने के लिए विशेष है, बनाना इसमें कुछ नहीं है, डायरेक्ट आप इसको आंसर दे सकते हैं। तो कैसे क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। देखिए यार, डिवाइड करना है तो 10 से डिवाइड करना है। जीरो वाला जो डिवाइड होता है वो काफ़ी इजी होता है। तो कैसे इजी होता है, आप जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी से, 10 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ये नंबर जो है बड़ा होगा एक बार, जो है इधर पॉइंट जो है एक बार इधर आएगा। मल्टीप्लाई में क्या होता है, इधर चलता है राइट साइड। और डिवाइड में क्या होता है, पॉइंट जो होता है एक जीरो है तो एक बार इधर जाएगा, ठीक है इधर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8 पॉइंट। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 8.125, ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद इसी तरह से इसमें भी ये इधर जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, एक जीरो है एक बार जाएगा, मतलब इसका 30 पॉइंट हो जाएगा, 0.35, ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया। और इस तरह से ये भी है, पॉइंट यहाँ है तो और एक बार इधर जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है। चलिए इसको एक बार और ले जाते हैं। तो यहाँ पे जगह में प्रॉब्लम हो रहा है, तो चलिए मैं बोर्ड पे ही लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व कर लें पेपर में, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक बार एक जीरो है तो एक बार जाएगा ये, 8 पॉइंट क्या हो जाएगा, 125, ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया। 2 नंबर में क्या हो जाएगा, एक बार इधर जाएगा तो 0.035, ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया। उस तरह से 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, 3 नंबर में 0.56/10, यहाँ भी एक जीरो है, इसका मतलब क्या है, एक बार फिर ये सरकेगा इधर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0.056, ये इसका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, 89.2/100, यहाँ पे 2 जीरो है। अब 2 जीरो में क्या करेंगे, इसको 2 बार इधर सरकाएंगे, तो 2 बार सरकाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.892, यहाँ पे पॉइंट है तो एक बार यहाँ गया, दूसरा बार यहाँ गया, तो 8 के इधर हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर में क्या दिया हुआ है, 5 नंबर 1.4/100, तो ये 2 बार जाएगा, तो 1 जीरो लगेगा पहले फिर 2 जीरो लगेगा, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.0014, कहाँ था, 1 से इधर था, यहाँ पे था, तो एक बार यहाँ गया और दूसरा बार यहाँ गया, मतलब ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे आएगा पॉइंट। 2 बार सरकेगा मतलब 0.014 यहाँ था, तो एक बार यहाँ गया और एक बार यहाँ गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 0.5/100 हो गया, तो ये कितना बार जाएगा, एक बार 2 बार, मतलब 5 से इधर जो है 2 जीरो होगा, मतलब 0.005 कहाँ था, यहाँ पे था, तो एक बार गया फिर 2 बार गया, सही है, 2 बार, 2 जीरो मतलब 2 बार। 7 नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं है। अगर कोई नंबर में पॉइंट नहीं है, इसका मतलब है कि आपको समझना है ये पॉइंट यहाँ है, पॉइंट यहाँ देते हैं तो उसका वैल्यू सेम रहता है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे 3 जीरो है, इस पॉइंट को हम 3 बार ले जाएंगे, 1, 2, 3, मतलब 3.456, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 8 नंबर में क्या दिया हुआ है, तो 8 नंबर में दिया हुआ है 278.9/1000, ये है, तो यहाँ पे 3 बार चलेगा, 1, 2, 3, मतलब पूरा लास्ट तक हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.2789, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद 9 नंबर लेते हैं, 9 में दिया हुआ है 56.3/1000, तो 3 बार फिर चलेगा, 1, 2, 2 बार तो यहाँ हो रहा है, 1 जीरो लगेगा इसमें, मतलब 0.0563 कहाँ था, यहाँ पे था, तो 1, 2, 3 बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8.9 बाय
थाउजेंड मतलब कितने बार चलेगा, तीन बार, इक्वल टू यहाँ पे जीरो पॉइंट ले लेते हैं, तो यहाँ एक बार, दो बार, तीन बार, मतलब दो जीरो लगाना पड़ेगा, 1 2 8 9, ये जो है कहाँ पे था, यहाँ 1 2 3, सही है, ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और एक बचा हुआ है 11, तो यहाँ पे 0.3 बाय, यहाँ भी 1000 दिया हुआ है, 1000, तो इसको ले जाना होगा, तीन बार 0 पॉइंट लिखते हैं, 0 0 और 3, तो 1 2, मतलब और एक जीरो लगेगा, 3 कहाँ पे था, यहाँ था, तो 1 2 3, सही है बिल्कुल, ये हो जाएगा। एक्सरसाइज 46 का सिर्फ 12 नंबर बचा हुआ है, इसमें फिल इन द बॉक्सेस, यहाँ पे इसको भरना है, तो यहाँ पे जो पहले का जो हम क्वेश्चन बना चुके हैं उसी अनुसार से ये बनेगा, तो यहाँ पे ध्यान देना है, 17 पॉइंट यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे पॉइंट आ गया है, देख रहे हैं ये कितना बार यहाँ से यहाँ कितना बार सरका है, तो एक बार यहाँ से यहाँ गया है, इसका मतलब है कि हम 1 पे एक जीरो लगाएंगे, मतलब 10 यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद 9 यहाँ दिया हुआ है, इसको किससे डिवाइड करेंगे कि 0.9 आ जाए, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, मतलब ध्यान देना है कि पॉइंट जिसमें नहीं रहता है उसमें मैंने बताया कि पॉइंट यहाँ रहता है, अब एक बार यहाँ पे आया है मतलब 1 पे एक जीरो, यहाँ भी 10 होगा तो 10 भर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ कितना है और यहाँ कितना है, तो यहाँ पे 3 के बाद है और यहाँ से कितना इधर गया है, 1 2, दो बार गया है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 पे 2 0, 100 डालेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट यहाँ है 70.53, तो यहाँ पे पॉइंट कितना बार इधर गया है, एक बार गया है, तो 0 किधर आया हुआ है, इसका मतलब है एक बार गया है, तो 1 पे 1 0, 10 हो गया, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 449 पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, तो यहाँ पे और यहाँ पॉइंट आ गया है, तो किससे हम डिवाइड करेंगे कि यहाँ आ जाएगा, कितना बार पॉइंट सरका है, 9 किधर था, 1 2, दो बार, इसका मतलब है कि 1 पे 2 0 हो गया, 100 हो जाएगा। इसी तरह से ये पॉइंट यहाँ है और ये यहाँ आ गया, कितना बार सरका, 7 किधर था, तो यहाँ पे 1 2 3, तीन बार सरका, तो 1 पे 3 0, मतलब 1000 हो जाएगा, इसको 1000 से डिवाइड करना होगा तब जाके इतना वैल्यू आएगा। उसके बाद यहाँ पे 4.9 है और यहाँ पे कितना बार सरका है, 4, यहाँ 4 के बाद था, तो 1 2 3, तीन बार यहाँ पॉइंट है, मतलब यहाँ 1000 हो जाएगा, ये 1000 हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट यहाँ है 97.1 और यहाँ पे ये यहाँ आ गया, कितना बार हुआ, 7 किधर था, तो 1 2 बार हुआ, इसका मतलब है कि 1 पे 2 0, 100 हो जाएगा यहाँ पे, 100। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 46 पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं।